हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बुंदेलखंड सिस्टर्स। तो आज की जो रेसिपी है ना वो है सर्दी स्पेशल। ये देखिए जिसमें हरी सब्जियां बहुत ज्यादा आती है सर्दियों में, तो यही टाइम होता है ज्यादा हरी सब्जियां खाने का। तो यहाँ मैंने मेथी की भाजी की बहुत टेस्टी सी भुजिया बारी से मैंने बहुत सारी सब्जियां मिक्स की है, तो आप इसको एंजॉय करिए और टिफिन में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस रेसिपी को मैंने बनाया कैसे है। भुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या है, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गोभी एक मीडियम साइज का साफ कर लीजिए अच्छे से और छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। इसी तरीके से आलू लिए हैं मैंने 3 से 4, इनको भी मैंने इतना मोटा काट रखा है। बैंगन लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज के, अगर आपके पास हरे वाले जो भट्टे होते ना वो मिल जाए तो वो लीजिएगा, उससे इस भुजिया का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी है ये मेथी की भाजी जी, 1 गट्ठा मेथी की भाजी थी जिसको मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है और काट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन गर्म हो जाएगा, स्लो आंच में रखिए और ऐड कर दीजिए मस्टर्ड ऑयल को। बहुत ज्यादा तेल डालने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इसमें जीरा नहीं आपको इस्तेमाल करना है। सीधे हम लहसुन डालेंगे और जब लहसुन हल्का सा हो जाएगा तो प्याज ऐड करेंगे। अब ऐड करिए प्याज, मिक्स करिए इन सभी को। अब गैस तेज करिए और इसको कवर करके पका लीजिए। 3 सेकंड के बाद इसको फिर से चेक करिए और ये जब हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाएगा तब इसमें आलू ऐड करेंगे। अब ये देखिए डार्क ब्राउन हो गया, ऐड कर दीजिए आलू और इसको गैस को स्लो करिए और इसको कवर करके ही हमें पकाना है। हल्का सा चला के इसको कवर कर दीजिए। याद रखिए आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है, गैस स्लो होनी चाहिए। 2 मिनट बाद आपको इसमें ऐड कर देना है गोभी को और इनको भी मिक्स कर लीजिए और फिर इसको भी कवर करके 2 मिनट तक पकाइए ताकि गोभी भी हल्का सा मुलायम हो जाए। 2 मिनट के बाद ऐड कर दीजिए अपने बैंगन, आप हरे वाले ले सकते हो, उससे टेस्ट और भी आपकी भुजिया का बढ़ जाएगा, वो वाले लीजिए आप। और इनको भी इसी तरीके से कवर करके 2 मिनट तक पकाइए। देखिए आप पानी इसमें ऑलरेडी सब्जियों का जूसेस निकल के आ जाता है, आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, बस गैस स्लो रखिए और इसको पकाते रहिए। 2 मिनट के बाद अब ऐड करना है हमें नमक, तो नमक बहुत ध्यान से, क्योंकि ऐसा ना नमक ज्यादा हो जाए तो सारा भुजिया का जो टेस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। नमक डालते समय याद रखिए जितना भी ये आपको अभी सब्जियां दिख रही ना उस हिसाब से आप नमक ऐड करिए, आप बिल्कुल भी भाजी का मत सोचिएगा वरना नमक बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब आपको टमाटर ऐड करना है, टमाटर आपको अभी ऐड करना है, पहले टमाटर मत ऐड कीजिएगा कि लहसुन प्याज और टमाटर वो नहीं करना है, ऊपर से ही इसमें टमाटर को हमें ऐड करना है। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको भी कवर करके पकाइए। आप जब टमाटर डाले थोड़ी देर हो गई यानी कि 2 मिनट हो गया है, फिर हमें अपना मेन सबसे जरूरी चीज जिससे इस भुजिया का टेस्ट एकदम कहते हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और खुशबू भी इसी से आती है, इसमें ऐड कर देना। अभी इसको चलाइएगा मत, सीधे भाजी डालकर इसको कवर कर दीजिएगा तो ये अपने आप पिचक जाएगी। अब 2 मिनट बाद देखते हैं इसको, देखिए ये पिचक गई है। अब हम क्या इसको चलाने में अब रहेगी आसानी, वरना ये चारों तरफ गिरता और दिक्कत होती। देखिए एक भी नहीं लग रही है, सब्जियों से अपना ही पानी निकलता है जिससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, खुशबू आती है। ये देखिए आलू भी लगभग अच्छे से पक गए हैं, अब बस 2 से 3 मिनट ही हमें इसको पकाना है कवर करके। तो पूरी सब्जी आपको स्लो आंच में ही पकाना है और सीटी बिल्कुल ना लगाएं, यानी कि आप कुकर में बिल्कुल ना बनाएं वरना सारा टेस्ट इसका खराब हो जाएगा। अब फिर से इसको कवर करिए। अब 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जी एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है आपको, और से देखिए हर कलर इतना अच्छा दिख रहा है ना। तो चलिए इसको फटाफट से सर्व करते हैं और इस सर्दी में एंजॉय करिए अपनी भुजिया को रोटी या पराठे के साथ। और टिफिन के लिए बहुत अच्छी एक सब्जी है, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा टिफिन में। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होगी, सिंपल सी और बहुत टेस्टी सी ये हरी सब्जी है, तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करिएगा और बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।